भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एकदम से। अभी क्या सीन है, सभी को पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा मिल रहा है, तो सभी ये सोचते हैं भाई इलेक्ट्रिक आ जाए और हम ले लेंगे। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी भी बहुत महंगे हैं और टाटा ने कोशिश की है कि कम से कम प्राइस में उसे लॉन्च किया जाए, जैसे कि 14 लाख में नेक्सॉन और 12 लाख में टिगोर दी गई है। हालांकि अभी मेरा ये कहना है कि आप अभी ये गाड़ियाँ ना लें, क्योंकि आने वाला फ्यूचर है 1-1.5 साल में सब कुछ जब ठीक हो जाएगा, यानी कि जो चार्जिंग स्टेशन वगैरह बन जाएंगे तब ये ठीक है। हालांकि अभी आप ले सकते हो ये सोच के कि चलो 1-1.5 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट 1-1.5 साल में क्या होगा कि टाटा नेक्सॉन की जो दूसरी कॉम्पिटिटर कंपनीज़ है वो भी ईवी बनाना शुरू कर देंगे और हो सकता है नेक्सॉन खुद ही इसमें इंप्रूवमेंट करे। अभी जो है 200 किलोमीटर की माइलेज देती है, उसमें भी लोगों को सोच सोच के चलना पड़ता है, कोई ट्रिप लंबी ट्रिप नहीं लगा सकते, तो ये चीज़ जो है चलाने वाले के माइंड में हमेशा एक डर पैदा रखता है कि कहीं गाड़ी बंद ना हो जाए। तो अभी हो सकता है आने वाले टाइम में नेक्सॉन अपने अपग्रेड में कुछ ऐसा लेकर आए कि इसकी जो रेंज है वो काफ़ी बढ़ जाए, और जो दूसरी कंपनीज आएंगी ऑफकोर्स हर कंपनी कोशिश करेगी सबसे ज़्यादा माइलेज दी जाए, क्योंकि इंडियन मार्केट में अगर किसी ईवी को टिकना होगा तो वो ऐसे ही टिक पाएंगे। बाकी अगर आप लेना चाहते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, अगर आपके पास कोई पेट्रोल या डीजल गाड़ी है जैसे वैगनार, i10, कोई भी छोटी मोटी गाड़ी, तो आप उसे कन्वर्ट करवा सकते हैं इलेक्ट्रिक में, और इसका जो मिनिमम कॉस्ट आएगा 4 लाख रुपये आएगा, जिसमें आपको 12 किलोवाट की बैटरी मिलेगी जो आपको 70 किलोमीटर पर चार्ज पे माइलेज देगी। और अगर आप 5 लाख रुपये खर्च करते हैं तो आपको 22 किलोवाट की बैटरी मिलेगी जिसमें 150 किलोमीटर पर चार्ज पे जो आपको माइलेज मिलेगी। तो आप कोई भी अपनी नॉर्मल कार कन्वर्ट करवा सकते हैं, जो कि होती है हैदराबाद में काफ़ी सारी कंपनीज है जैसे कि इट्रियो और नॉर्थ वे MS, ये कंपनीज क्या करती है आपसे चार्ज करेगी और उसमें आपका जो इंजन है उसको निकाल कर इलेक्ट्रिक मोटर फिट कर देगी, साथ ही में बैटरी, और आपका जो माइलेज है वो 0.74 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से देने लगेगा। और आप ये जितना पैसा इस पे खर्च करोगे 4 लाख 5 लाख, वो आपका 1.5 से 2 साल के बीच में निकल जाएगा, जितना अगर आप डीजल वगैरह चलाते हैं तो उससे खर्च हो जाता, वो यहाँ पे आपका पैसा बच जाएगा। तो ऐसी मैं शॉर्ट वीडियोज़ बनाता हूँ, कोई चीज़ें बार बार रिपीट नहीं करता, तो मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी वीडियो बनाई जाए ताकि आपका भी समय वेस्ट ना हो। और इसके बारे में डिटेल वीडियो देखनी है तो ये चैनल पे मैंने बना रखी है, आप वो जाके भी देख सकते हो कि आप इन्हें कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेनली आप कॉन्टैक्ट करना ही है इनसे, तो आप इनकी वेबसाइट है उन पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो कैसे क्या करवाना है। बाकी बहुत सारी कंपनीज आप पता कर सकते हो आपको क्या माइलेज मिलेगी, क्या चीज़ सही भी लगेगी, तो आप वो कर सकते हो। मैंने एक बस आइडिया देने के लिए आप लोगों को ये वीडियो बनाया है, तो होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूँ और मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले।